जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी। आपको पता है हमारे यहाँ तो शादी से एक हफ्ता पहले ही ढोलक रख दी जाती है, और मैंने तो सोच लिया मैं खूब डांस करूंगी, गाने गाऊंगी, मतलब बहुत इंजॉय करूंगी, और तो और डांस की प्रैक्टिस भी करूंगी। आप मेरे साथ शादी में डांस करेंगे ना मेहंदी में? मैं? No, never. क्या मतलब है नहीं करेंगे? दोस्त की मेहंदी में तो खूब नाच रहे थे, और अब अपनी शादी में कह रहे हैं नहीं। अच्छा थोड़ी ना लगेगा, दूल्हे मियां अपनी शादी में दीवानावार नाच रहे हैं। क्यों अच्छे नहीं लगेंगे? अरे भाई ये तो आजकल का ट्रेंड है, कपल साथ में मेहंदी पे डांस करते हैं, शादी पे भी डांस करते हैं। बस मैं कुछ नहीं सुन रही, आपको आना है मेरे साथ डांस प्रैक्टिस करनी, और वो भी कल, और अगर आप नहीं आएंगे ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। किरण हमारे घर में सबको बहुत मायूब समझा जाता है, अम्मी और बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपको और मेरा शादी पे नाचना। मुझे एक बात बताएं, ये हर बात पे अम्मी अबू का हवाला क्यों देते रहते हैं आप? अम्मी को ये नहीं पसंद, अबू को वो नहीं पसंद। अगर मुझे पता होता कि आपकी आपके घर में कोई वैल्यू नहीं है तो मैं शादी के लिए हाँ ही ना करती। आपको हो क्या गया है? आप पहले तो ऐसे बात नहीं करती थी। मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ किरण, जूं जूं शादी के दिन करीब आ रहे हैं आपका रवैया बदलता जा रहा है, ऐसा क्यों? अरे भाई मैंने तो एक आइडिया ही दिया था और आप हैं कि नाराज हो गए। अच्छा सॉरी। भाई इतने प्यार से सॉरी कहेंगी तो कौन काफिर है जो ना माने। खैर ये बताइए कि बरी का सामान पहुंच गया? हाँ पहुंच गया, सामान देखकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया। शुक्र है, कुछ तो पसंद आया आपको। कैसे पसंद ना आती, एक एक चीज मैंने अपने हाथों से पसंद की है, पसंद तो आनी ही थी। और क्रेडिट किसको जाता है? मुझे, क्योंकि मैंने अपने घर वालों को मनाया, मिन्नत समाजित की, कुछ भी करके कन्विंस किया कि भाई शॉपिंग होगी तो मैडम की पसंद की। अच्छा सुने मुझे एक बात करनी थी। वैसे तो आपके घर में देखें इतने सारे सर्वेंट्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, लेकिन वो मैं चाह रही थी अगर आप एक कुक रख लेते तो। और ये बात आप कह रही हैं जिन्हें कुकिंग का शौक है जुनून की हद तक। जाहिर सी बात है खाना तो मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ, मतलब कोई भी खाना हो, लेकिन वो क्या है ना कि अब गर्मी इतनी है, मैंने अपने घर में कभी काम नहीं किया तो इसीलिए बस मुझसे किचन में खड़े होकर ना ये खाने वाने नहीं बनाए जाएंगे। आप अकेले थोड़ी करेंगी ये सब, अम्मी होंगी, नवीन होगी, मुलाजमा भी होगी आपका साथ देने को। वो तो होंगे लेकिन फिर भी मुझसे ये घर के काम वाम नहीं होते। अब देखे ना इतने सारे मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, अब आप देख लें बस जो भी है। ओके मैं कोशिश करता हूँ अम्मी से बात करने की, पर आई गेस हमें ये बात शादी के बाद करनी चाहिए अगर आपको बुरा ना लगे तो। खैर मुझे एक काम से जाना है तो। सुने ना मेरी बात थोड़ी खत्म हुई, मुझे बात करनी है आपसे। कहिए। आपको पता है मुझे मैके से पूरे 20 तोले जेवर मिल रहा है, और इतना ही नहीं मेरी मॉम ने आपकी मॉम के लिए सोने का हार और आपकी बहनों के लिए भी सोने के सेट बनवाया है, और बस इतना नहीं आपके लिए भी 2-3 लाख की घड़ी, जुहेब के लिए एक महंगा सा फोन, वॉच, ये सब लेकर रखा हुआ है आप लोगों को देने के लिए। और इस सब की क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी, रिश्तेदारों में लेन देन तो चलता रहता है। मैं ये कह रही थी कि आपका भी हक बनता है कि आप मेरे भाई को, मेरे घर वालों को महंगे महंगे तोहफे तहाइफ दें। ऑफ कोर्स लिया हुआ है, बल्कि अम्मी ने सबके लिए ही तहाइफ लिए हुए हैं। लेकिन जेवर तो सिर्फ 20 तोले ही दे रहे हैं ना। अच्छा वैसे मुझे ये बताएं, सारी बातें छोड़े, आपने हक महर के बारे में क्या सोचा है, कितना हक महर देंगे? मैं हक महर वही होगा जो शरई तौर पे होता है। क्या मतलब है? देखिए ये सब बातें हैं बड़ों के करने की, मेरा ख्याल है कि मुनासिब रहेगा हम इस सब में ना पड़े। कोई बड़ों की तय करने की बात नहीं है। अब मुझे ये बताएं, मैं अपने मैके से करोड़ों की प्रॉपर्टी, 25 लाख का जहेज, 20 तोले सोना, ये सब लेकर आ रही हूं, और आप मुझे मेरी मर्जी का हक महर भी नहीं दे सकते। आपको हो क्या गया है?
आप कब से इतनी मटेरियलिस्टिक हो गई? शादी के कार्ड छप चुके हैं, दावतनामे जा चुके हैं, और आपका रवैया बदलता चला जा रहा है। मुतालबात हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। भाई मेरे भी तो रिश्तेदार हैं, वो भी तो पूछेंगे ना कि किरण का इतने बड़े घर में रिश्ता तय हुआ है, उन्होंने हक महर में क्या दिया। मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। अब जो भी है, शादी के बाद मेरा और आपका थोड़ी ना कुछ होगा, जो भी होगा हमारा ही होगा। मैं तो बस ये तहफ्फुज़ के लिए कह रही हूँ, और मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, अपने तहफ्फुज़ के बगैर मैं ऐसे ही शादी करके थोड़ी ना आऊंगी। इस बारे में आप आराम से सोच लें, आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। लेकिन ये याद रहे, 2 करोड़ का हक मेहर तो मुझे हर हाल में चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि निकाह के ऐन मौके पर मैं इनकार कर दूं और फिर आप जिंदगी भर पछताते रहें। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। ओके जान, आप इस बारे में सोचें, मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज़, आई लव यू, बाय। हाय अम्मा जी।
आए ना बैठे, पोती की बरी देखें, बैठे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक दो तीन चार पांच, पूरे पांच सेट सोने के भेजे और कपड़े बेतहाशा, एक से एक चीज बनाई उन्होंने, सब किरण की पसंद की है। मेरी बेटी ऐश करेगी कसम से। देखिए कितना प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला मेरी बच्ची का नसीब अच्छा कर। क्या हुआ अम्मा जी, आपकी आंखें क्यों भर आई? ऐसा तो मत करें, मैंने तो अपने आप को संभाला हुआ है, वरना दिल तो मेरा भी भरा हुआ है। एक ही बेटी है, चंद दिनों में घर छोड़कर चली जाएगी, पता नहीं कैसे रहूंगी मैं। मैं तो बस यही सोच के परेशान हूँ कि कहीं हमारी असलियत सरबाप के घर वालों के सामने खुल ना जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप, असलियत क्यों खुलेगी? और हमने कौन सा गुनाह किया या किसी के घर में डाका डाला है? एक शादी तो कर रहे हैं अपनी बेटी की, लॉटरी निकली, मैंने कहा इधर उधर क्यों खर्च करूं, फजूल में पैसा जाया करूं, इससे अच्छा बेटी की अमीर घर में शादी कर दूं, सारी जिंदगी ऐश करेगी, हमें दुआएं देगी। आते हुए तो मैं सोच रही थी कि क्यों घबराहट हो रही है, शादी जैसे पाक रिश्ता झूठ की नापाक बुनियादों पे तामीर हो रही है जो बहुत जल्दी ढह जाती है। अम्मा जी छोड़े, आप बाकी चीजें तो देखें, ये तो देखा ही नहीं आपने। ये देखें, ये कितना प्यारा है, ये देखें ना, जाला क्या बात है, उठकर यहाँ क्यों आ गई, कोई परेशानी है क्या? अभी वो क्या बताओ मुझे। अभी थोड़ी देर पहले मुझे रिजवान का मैसेज आया था, उल्टी सीधी बकवास कर रहा था, मुझे लगा खामोशी इख्तियार करना ही बेहतर है। हाँ ठीक है, बस तुम खामोशी इख्तियार कर लो। मैंने भी यही सोचा था, मगर मगर क्या उजाला, इस तरह पहेलियां मत बुझवाओ मुझसे। कि उसने मुझे मैसेज किया कि वो बाहर खड़ा है और अगर मैंने उसे जाकर बात ना की तो वो अंदर आ जाएगा और तमाशा करेगा। यहाँ अंदर? तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? बाहर चलो ना। मैं चलो ना। जुहेब आप? जी वो मुझे कुछ काम था। आओ अंदर आओ। अरे नहीं नहीं अंदर नहीं, एक्चुअली वो मैंने भाभी के लिए कुछ शॉपिंग करने जाना था तो मैंने सोचा कि अगर इनको साथ ले जाऊं। हाँ मुझे तो कोई एतराज नहीं है, अगर ये साथ जाना चाहती है तो। नहीं आई एम सॉरी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मुझे कुछ काम है। मुझे खैर तुम तो अंदर आओ। हाँ नहीं मैं अंदर आके क्या करूँगा, मैं चलता हूँ, मुझे जरा जल्दी है। ये देखिए ये कैसी है हीरे की अंगूठी। ये देवरात तो तुम पहले खरीद चुकी थी, ये अंगूठी क्यों खरीदी? एक्चुअली जरबाब अपनी दुल्हन को मुंह दिखाई में रिंग देना चाह रहा था, मुझसे खास तौर पर फरमाइश की थी उसने, तो मैं इनकार नहीं कर सकी। वैसे उसने 5 लाख रुपए दिए हैं मुझे। ये इतने जेवरात थे, इसमें से कुछ रख लेती वो मुंह दिखाई में दे देता। चले कोई बात नहीं वजाहत, शादी तो जिंदगी में एक बार ही होती है ना, उसे अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेने दे। ये सारी बातें तुमने फायदा के वक्त भी कही थी, 50 लाख का जहेज दिया था और दामाद को कारोबार भी करवाया। कोई एहसान नहीं कर दिया आपने उस पर,
बाप औलाद के लिए बहुत कुछ करते हैं। वैसे तो आप बहुत ही शाह खर्च हैं और शादी के मौके पर आप कंजूस हो जाते हैं। मेरी तो यही नहीं समझ में आता। देखो, शादी जितनी सादगी से की जाए ना, उतनी ही खैर और बरकत होती है। ये सर बाप पता नहीं कहाँ रह गया, इतने सारे काम पड़े हैं करने के लिए। वैसे आपको जेवरात कैसे लगते हैं? नहीं, बहुत अच्छे हैं। अरे बैठो बेटा। बेटा कहाँ रह गए थे? इतने सारे काम रह गए करने के लिए। जोहेब से इसलिए नहीं कहा मैंने कि उसकी अभी नई नई जॉब लगी है। जरबाब जी, क्या हुआ है बेटा? कोई परेशानी है? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? मुझे आप लोगों से जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात तो मुझे भी तुमसे करनी है। देखो बेटा, तुम्हारी शादी पर बहुत ज्यादा अखराजात हो रहे हैं। मैं वो किरण की ख्वाहिश थी ना कि मेहंदी धूमधाम से होनी चाहिए। हाँ हाँ, बल्कि आजकल का तो रिवाज ही ये हो गया है और फैशन भी। आपको पता है, शादी से ज्यादा मेहंदियाँ अब धूमधाम से होने लगी हैं। हाँ, लेकिन शादी की इन फजूल रस्मात पर पानी की तरह पैसा बहाना कोई दानिशमंदी नहीं है। क्या हो गया है आपको वजाहत? दो ही तो बेटे हैं हमारे। अरे तुम्हें कुछ समझाना पत्थर से सर टकराने के मुतरादिफ है। तुम बताओ तुम्हें क्या परेशानी? बाबा, हम किरण को हक में कितना दे रहे हैं? अरे इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं है ना। वैसे फाइजा की शादी में हमने शरई हक में लिखवाया था, लेकिन वजाहत ये लोग तो शादी में बहुत खर्चा कर रहे हैं। इनकी तो डिमांड बहुत ज्यादा होगी हक महर के लिए, है ना? चलो 10-15 लाख लिखवा देंगे। इतने सारे जेवरात भी तो हैं। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जेवरात भी तो है ना, ये सही रहेगा। बच्चियां इतना अच्छा गाना गा रही हैं। मना कर दिया उसने, मना कर दिया जरबाब ने मुझे मेरी मर्जी का हक महर देने से। मुझे तो पहले ही पता था, तुझे बड़ा एतबार था ना, मुझे पता था वो यही करेगा। मैं कह रही हूँ अपना ये मनहूस मुना बंद कर ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में इस घर का सारा सामान तोड़ फोड़ दूं। तो तोड़ दे। तोड़ने से पहले ये सोच लेना कि तेरे बाप का घर नहीं है, किराए का घर है ये। तो बस फिर ठीक है, अपना ये लेक्चर बंद कर और मुंह बंद कर ले अपना। एक भी काम नहीं हो रहा उसके ऊपर से ये बातें सुनाई जा रही है मुझे। अरे अम्मा, अम्मा वो एक बाबा था ना, वो हमारे पुराने घर के पास में, जिसे तू तावीज करवाती थी अपने काम करवाने के लिए। हाँ बाबा जी थे, वो तो बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। मर गए क्या? अल्लाह ना करे, मर गए की बच्ची, उन्हें तो मेरी उम्र भी लग जाए, इतने काम किए उन्होंने मेरे। बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, हैदराबाद शिफ्ट हो गया है, इतनी दूर दूर से उनके पास लोग आते हैं, उनके तावीज ऐसे जलाली तावीज, इधर तावीज लाओ इधर काम हो जाता है। अरे तुम्हारे अब्बू ऐसे तो मेरी मुट्ठी में नहीं थे, तावीज पिलाते थे वहीं से ला ला के। तुम्हारी दादी मजाल है तुम्हारे अब्बा के सामने किसी बात पे इख्तलाफ कर जाए, और तुम्हारे अब्बू पूरी तनख्वाह मेरे हाथ में ला के रखते थे। और बात बताओ, वो वाला घर तुम्हारे अब्बा की जिंदगी में तो मैंने अपने नाम करा लिया था। कैसे कराया था? तावीजों के जोर पे। और ये बख्तियार और हलीमा तभी तो दबते हैं मुझसे। बस तो फिर तय हो गए, हम तो कल सुबह की ट्रेन से ही ना हैदराबाद जा रहे हैं। अरे हफ्ते बाद शादी है और तय हो गया हम सुबह की ट्रेन से हैदराबाद जा रहे हैं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? बख्तियार को क्या कहूंगी मैं? शादी की सारी तैयारियां हो जाएंगी और बख्तियार भाई को मैं मना लूंगी, किसी बात की कोई फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जरबाब खुशी खुशी मेरा मुंह मांगा हक महर मेरे नाम लिख दे, और उसके लिए चाहिए तावीज।
ठीक है, अब हम तावीज के लिए जा रहे हैं बाबा के पास हैदराबाद। तू बस जाने की तैयारी कर, ये काम तो अब तावीज ही कर सकता है। सुना? तावीज आते ही समझ काम हो गया। अब किसका दिल तोड़ा है जो ये सिम तोड़नी पड़ रही है? सिम चल नहीं रही थी, इसीलिए तोड़ कर फेंक दी, नहीं ले लूंगी। अच्छा, मैंने तो पहली बार सुना है कि सिम ना चले, लेकिन खैर छोड़ो। तुम्हें पता है किसी की भी सिम का डेटा बड़ी आसानी से निकलवाया जा सकता है? तो निकलवा लो, जो काम का लगे वो रख लेना, बाकी मुझे लौटा देना। भाई एक तो तुम बात बात पे सीरियस हो जाती हो, मुझे क्या जरूरत पड़ी तुम्हारा डेटा निकलवाने की? तुम्हारे किस्से तो सारे घर को पता है। बताओगे घर वालों को, लेकिन मेरा खुदा भी मेरे बारे में जानता है। बिल्कुल, और अब खुदा की सारी खुदाई भी जान जाएगी तुम्हारे बारे में। क्या है ना, तुम तो खुली किताब की तरह हो, इश्क भी खुलेआम करती हो। बात है, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है बेटे, बात तो करके देखो। मैंने बात की है, वो बस 10-15 लाख कर लेंगे। क्या सिर्फ 10-15 लाख? मेरी बेटी मुझ पर भारी नहीं है जो मैं ऐसे नाकदरे लोगों को सौंप। अगर अपने माँ बाप को नहीं मनवा सकते थे तो पसंद की शादी के बारे में सोचा क्यों तुमने? ऐसा नहीं है आंटी, मैं तो बस थोड़ा वक्त मांग रहा हूँ आपसे। तो बेटा वक्त ही तो नहीं है, खानदानी लोग हैं आप, पूरे खानदान में कार्ड बट चुके हैं, क्या मुंह दिखाएंगे हम लोगों को? बाबा आजकल थोड़ा नाराज हैं, गुस्से में हैं, तो मैं करूंगा बात लेकिन उनसे फॉर श्योर। जरबाब बेटे मैं अच्छी तरह जानती हूँ, आप बहुत फरमाबरदार बच्चे हैं अपने माँ बाप के। माँ बाप की बात मानना, फरमाबरदारी करना अच्छी बात है, खुशी होती है, और माँ बाप की इजाज़त से हर काम करना भी अच्छी बात है। लेकिन बेटा आपको तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, आप तो खुद मुख्तार हैं, आप तो फैक्ट्री चलाते हैं, मंथली उनको कमा के लाखों देते हैं, क्या आप अपनी शादी धूमधाम से नहीं कर सकते? इतना हक नहीं है आपका? माँ बाप तो अपनी औलाद के लिए पता नहीं क्या कुछ करते हैं, कुर्बानी दे देते हैं, ऐसे माँ बाप हैं आपके? जब मेरे बेटे की शादी हुई थी तो मैंने पूरा 1 करोड़ रुपया हक मेहर दिया था, मेरे बेटे ने सिर्फ मुँह से निकाला था और मैंने फौरन हामी भर ली थी, क्योंकि मुझे अपने बेटे की खुशी अजीज थी, और उस वक्त जानते हो 1 करोड़ रुपये की क्या अहमियत थी? तो पैसे की वैल्यू ही नहीं, 1 करोड़ की कोई औकात ही नहीं। आप परेशान मत होइए, मैं करता हूँ। एक्चुअली अम्मी और बाबा को मनाना बहुत मुश्किल काम। बेटा ये काम तो करना पड़ेगा, हक मेहर तो हमारी मर्जी का होगा अगर आपने यहाँ शादी करनी है तो, नहीं तो मेरी तरफ से शादी से इनकार है। क्या 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 बात कर रही हैं? मामा प्लीज, आप सरबाब को ऐसे प्रेशराइज तो मत करें, फिर चंद पैसों के लिए मैं ये शादी नहीं कैंसिल कर सकती, आखिर मैं सरबाब से मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारी मोहब्बत गई भाड़ में, ऐसे फेंक नहीं सकती हूँ मैं तुम्हें। क्या कर किचन में देखो, कुक ने क्या अरेंज किया, अब मैं अपने होने वाले दामाद को खाना खिलाए बगैर तो नहीं भेजूंगी ना। जी
आंटी सुनिए ना, 2 करोड़ बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर लीजिए। मैं ये नहीं चाहता कि पैसों की वजह से शादी कैंसिल हो जाए। क्या बात है, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। उसने तुम्हें फिर से कॉल किया? नहीं, मैंने सिम ही तोड़ दिया। तुम कहो तो मैं बख्तियार से बात करूं। इसकी जरूरत नहीं यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा रब्ता करेगा। अच्छा सुनो, वो जुहेब तुम्हें लेने क्यों आया था? मुझे क्या पता अभी, आपके सामने मैंने इनकार कर दिया था उससे। हाँ, मगर तुम्हें इस तरह से इनकार नहीं करना चाहिए था। आपको अंदाजा भी आप क्या कह रही हैं? हाँ उजाला, मुझे अंदाजा है, हो सकता है, मुमकिन हो कि उसे इखलाकी तौर पे तुम्हारी मदद चाहिए। मुमकिन मुमकिन ऐसे क्या मुराद है आपकी? ये इखलाकी मदद ना हमारे लिए अजाब बन सकती है। जानती हैं आप किरण को मुमाने जान को उनके रवैये, उसे सब पता चला ना तो हमारी जिंदगी और अजाब कर देगी। हाँ भाई, बन गई चाय, दिखाओ। तुम ले जाओगी कि मैं ले जाऊं? नहीं, ये मैं खुद ही लेकर जाऊंगी। अच्छा सुनो, वो मैंने जरबाब को बड़ी मुश्किलों से मनाया है लंच के लिए, तो आज वो लंच हमारे साथ ही करेंगे। उन्हें चाइनीज बहुत पसंद है, 2-4 चाइनीज डिशेस बना लेना। और एक काम करना, यूट्यूब खोलना और उस पर रेसिपी देख लेना, क्योंकि तुम्हें तो आती नहीं होगी चाइनीज बनाना। और मैं तो कहती हूँ कि तुम अपनी बहन से अब थोड़ा खाना बनाना सीख ही लो, तुम्हारे भी काम आएगा। शादी के बाद मेरे ससुराल वालों ने आना एक बड़ी दावत पे, और खाना सारा घर पे बनेगा, ठीक है? खड़ी भी मुंह क्यों देख रही हो? वो जाओ, वो केक और वो बिस्किट भी लेकर आओ, जल्दी से जाओ। अभी आप बच्चों को देख लें, मैं ये खा लेती हूँ। हाँ, मैं बच्चों को देख लेती हूँ। हिल जाया करो तुम भी। किरण, ये क्या डाल रही है चाय में? तुम्हें काम करने के लिए रखा है, अपनी आंखें और मुंह बंद रख। ये रखो इधर। ये सब नहीं आएगा, मैं दूसरी ट्रे बना देती हूँ, ये ले जाओ। वो दो। मैं ये लेकर जा रही हूँ और ये भी मैं आकर लेकर जाऊंगी, तुम्हें वहां आने की कोई जरूरत नहीं, अपनी मनहूस शक्ल यहीं रखो तुम। ये केक जरूर ट्राई कीजिएगा, मैंने अभी अभी आपके लिए फ्रेश बेक करवाया है। श्योर। किरण, खाने का कह दिया बावर्ची को? जी, मैंने कह दिया, और सारा खाना मैंने जरबाब की पसंद का बनवाया है। खाने की जरूरत है नहीं, वैसे आपने तो इतना एहतमाम कर दिया चाय पर ही। अल्हम्दुलिल्लाह, खानदानी लोग हैं हम। हमारा दामाद हमारे घर से खाना खाए बगैर कैसे जा सकता है? बेटी के घर जाकर तो हम एक घूंट पानी का पीना गवारा नहीं करते। देखो बेटा, मैं कोई खुद से फरमाइश नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी भले की बात कर रही हूँ। जितना हक महर ज्यादा होगा, उतनी तुम्हारी बीवी की और तुम्हारी इज्जत माशरे में बढ़ेगी। मामा प्लीज, बस भी कर दें, सिर्फ आपको चाय तो पीने दें। चाय कैसी लगी आपको? सुपर्ब, बहुत अच्छी है, वेरी नाइस। अपने हाथों से बना के लाई हो ना चाय? जी। देखिए आंटी, किरण मेरी जिम्मेदारी है,
और मैं अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भागूंगा। ये जरा से पैसों के लिए मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान तो नहीं करूंगा ना। रही बात बाबा की, I'll talk to him। I'll see। Yeah? It's okay। बेगम साहिबा, सामान से भरे हुए दो ट्रक आए हैं। सामान आया है? किसने भेजा है? कहां से आया है? जरबाब साहब की दुल्हन के घर से जहेज का सामान आया है। ट्रक का ड्राइवर जरबाब साहब को बाहर बुला रहा है। अच्छा, तुम जरबाब साहब से कहो कि सामान आया है और उनका कमरा भी खाली करा दो, सामान वहीं पर सेट होगा। मगर बेगम साहिबा, सामान तो बहुत ज्यादा है। डबल बेड और दो सोफा सेट दिए हैं और किचन का सामान तो बेतहाशा है। सरबाब साहब के कमरे में इतनी गुंजाइश नहीं होगी। अच्छा अच्छा, तुम जाओ, मैं कुछ करती हूँ। ये ले, चाय आ गई। अम्मी, क्यों परेशान लगते हैं आप मुझे? तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कहते थे, किरण के महके वाले तो बहुत शो ऑफ लोग हैं। अब मुझे बताओ, हमने जहेज लेने से मना किया था, फिर भी उठा के इतना सामान भेज दिया। दौलत की नुमाइश करने का बहुत ही शौक है उन लोगों को। अब मुझे मुझे ये बताओ कि मैं इतना सारा सामान रखूंगी कहाँ? मैंने आपकी जैसी सास नहीं देखी है। लोग इसलिए परेशान होते हैं अम्मी के बहू जहेज नहीं लेकर आए हैं, आप इसलिए परेशान है कि बहू इतना जहेज ले। बेटा, मैं भी बेटियों वाली हूँ, मुझे ये फजूल खर्ची, ये नुमाइश जीप नहीं देती। अच्छा, परेशान नहीं हो, चाय ठंडी हो जाएगी आपकी। चले, परेशान नहीं हूं। अरे अम्मा, क्या जरूरत है 5-स्टार होटल में शादी करवाने की? मैं कहता हूँ जरा मोहतात हो जाओ, वरना कंगाल हो जाएंगे हम, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। बात की बाद में देखेंगे, फिलहाल घर के बाहर कल शामियाने लग जाने चाहिए और बारात का इंतजाम हो गया ना। वो सब मैं करवा लूंगा अम्मा, मगर बहुत खर्चा हो रहा है, कुछ तो रहम करो। तेरी कौन सी पल्ले से हो रहा है जो रहम की भीख मांग रहा है मुझसे? क्यों करूँ रहम? क्यों, मुझे कारोबार नहीं करना? मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने गाड़ियां भिजवाई हैं जहेज की, वो भी ओवरलोडेड, भर के जा रहा था सामान। ये सब फजूल खर्ची हैं। कोई फजूल खर्ची नहीं है। सुनो, खाना ऐसा होना चाहिए बारात का कि बरसों लोग याद रखें। 5-स्टार होटल में जाने से कैसे तरसती थी मैं, और अब पूरे जमाने को मैं बताऊंगी कि मेरी बेटी की माशाल्लाह इस शहर के सबसे बड़े होटल में बारात आ रही है और वलीमा में सबसे बड़े शानदार होटल में हो रहे। देख, कोई बंदा रहना जाए, किसी को भूलना मत। जो दो टके टके के हमारे रिश्तेदार हैं ना, उनको तो खास तौर पे बुलाना। अरे भाई, ये बाहर क्या हो रहा है? ये ट्रक भर के सामान आ चुका है। बहू के मैके से सामान आया है, दो ट्रक भर के भिजवा दिए हैं। नहीं तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मगर क्यों भिजवाए हैं? हमने तो ये सब मना किया था करने से। हमारा तो फर्ज था उन्हें मना करना, अब उन्होंने भिजवा दिया सामान। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं इतना सारा सामान रखूंगी कहां। अरे तुम ऐसा करो कि अभी फोन करो उन्हें और ये सामान वापस भिजवाओ। नहीं वजाहत, मना करूंगी ना तो उन लोगों को बुरा लग जाएगा। मगर क्या कर सकते हैं मुझे बताएं आप? ऊपर का भी पूरा पोर्शन भरा हुआ है सामान से, नीचे भी रखने की जगह नहीं है। लोगों को तो बेजा आदत होती है शादी में फजूल खर्च करने की, बस
ससुराल में अपनी नाक ऊंची रखनी होती है उन्होंने, और कुछ नहीं। हमारे खानदान का भी तो यही रिवाज है ना। याद है आपको, फायजा की शादी पे भी हमने जहेज दिया था, और अब नवीन की शादी करेंगे तो उसको भी जहेज देना पड़ेगा। लेकिन सारे सामान को रखिए कहाँ? बहुत परेशान हो रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा क्या करूं मैं। लोगों को आदत होती है शो ऑफ करने की, हद होती है किसी बात की। मना भी किया था, सुनते नहीं है। क्या बना रहे हैं? आलू गोश्त का और कोफ्ते। आप ही, उस दिन मैंने किरण को जरबाब भाई की चाय में कुछ मिलाते देखा था। हाँ, उन्होंने किसी से कुछ पढ़वाया है जरबाब को काबू में करने के लिए। आप इस बारे में जानती थी? हाँ। और इस तरह से जरबाब भाई काबू में आ जाएंगे? देखो जाला, जरबाब काबू में आए या ना आए, तुम बस अपने काम से काम रखना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तुम अपनी जबान और आंखें बिल्कुल बंद रखना और बस अपना काम करती रहना। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी।